चलते हैं अब अपनी अगली स्लाइड की ओर, अगली स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं अगली स्लाइड में बात करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, तो कुछ क्वेश्चंस के कुछ एग्जांपल्स जो हम जिसको करके समझ सकते हैं कि हमें एक पॉलिनॉमियल ऑफ एक्स दे रखा है पी एक्स, जिसकी वैल्यू है 3x^4 -4x³ -3x - 1। इसको डिवाइड करना है एक दूसरे पॉलिनॉमियल से जी एक्स से, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है पॉलिनॉमियल की x-1। अब देखिए इसको डिवाइड करना है, क्या आपका क्वोशेंट आएगा, क्या आपका रिमाइंडर आएगा, ठीक है। 3x^4 -4x³ -3x - 1 को डिवाइड करना है x-1 से। अब मुझे x है मेरे पास, मुझे 3x^4 चाहिए, मैं 3x³ से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3x^4 आ जाएगा। देखते रह गए, यहाँ पे प्लस का साइन था, अब माइनस का हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। -1 का मल्टीप्लाई 3x³ के साथ, सो ये हो गया -3x³, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा, -4x³ +3x³ कितना बचेगा, -x³ -3x - 1। ये अभी फिलहाल थोड़ा सा आगे आ रहा है, पीपीटी को हटा देंगे, पीपीटी को हम हटा देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। तो ये हो जाएगा -x³ -3x - 1, ठीक है। अब इसके बाद हमें अब -x³ चाहिए, हमारे पास x है, सो क्या चाहिए हमें, x³ चाहिए, तो x² से मल्टीप्लाई करूँगा मैं, x का मुझे x³ चाहिए, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, सो माइनस आ जाएगा, -x³ प्लस, सो ये देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद -1 का मल्टीप्लीकेशन -x² के साथ, अब यहाँ पर -x² की टर्म ही नहीं है, सो ये यहाँ पर आएगा, ये अलग से आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस का हो गया, माफ़ कीजिएगा, -1 × -x² +x², साइन चेंज किया, माइनस का हो गया, सो ये हो गया -x², यहाँ पर था -3x - 1, ठीक है। अब देखिए, अब जब आप ऑपरेशन करेंगे सो हमेशा हम हायर पावर से लोअर पावर पर जाते हैं, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, -x² -3x - 1, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, सो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। हमने इसको इसी तरीके से लिख लिया। अब मेरे पास x है और मुझे -x² चाहिए, सो मैं इसको -x से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो -x² हो गया, प्लस इधर ये कैंसिल आउट हो गया, -1 × -x, सो ये हो गया +x, ठीक है। -1 × -x -± +, फिर प्लस आ गया 1 × x, तो x इधर नेगेटिव का साइन, -4x -1। अब मुझे -4x चाहिए, मेरे पास x है, मैं -4 से मल्टीप्लाई करूँगा, सो मेरे पास -4x आ गया, फिर से साइन चेंज हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, -1 का मल्टीप्लिकेशन -4 के साथ, सो ये +4 हो जाएगा, इधर फिर से माइनस का साइन आ गया, और ये -1 - 4 -5 हो जाएगा। तो आपके पास रिमाइंडर क्या मिला, आपको यहाँ से रिमाइंडर मिला -5। क्वेश्चन की अगर हम बात करें सो क्वेश्चन हमें मिला है 3x³ -x² -x - 4, ये हमें क्वेश्चन मिला है 3x² -x² -x - 4, रिमाइंडर हमें -5 मिला है। यानी कि अगर मैं x-1 में इसका मल्टीप्लिकेशन करूं और 5 को ऐड कर दूं तो मुझे एग्जैक्टली यही वैल्यू मिल जाएगी। वापस से अपनी स्लाइड पर आ जाते हैं, x³ + 1 / x + 1, यहाँ पर x³ + 1 को डिवाइड करना है x+1 से, इसको डिवाइड करना है। अब देखिए x है, x³ चाहिए, x² से आप करेंगे मल्टीप्लाई, x³ आ गया, माइनस का साइन, कैंसिल आउट हो गया, अब 1 में x² का मल्टीप्लाई होगा, इधर x² आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² + 1, यहाँ पर x² + 1 लिख लिया। अब x है, x² चाहिए, तो x से मल्टीप्लाई करूँगा, सो ये x² आ गया,
माइनस इधर कैंसिल आउट हो गया, फिर वन इंटू एक्स तो प्लस एक्स, यहाँ पर ये आ गया। अब वापस से मैं एक्स प्लस वन लिख सकता हूँ। अब फिर से एक्स को मुझे एक्स चाहिए सो वन से मल्टीप्लाई करूँगा, एक्स है मेरे पास मुझे मल्टीप्लिकेशन में एक्स ही चाहिए तो वन से ही मल्टीप्लाई करूँगा, एक्स आ गया माइनस किया कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। वन इंटू वन वन आ गया, प्लस वन माइनस हुआ कैंसिल आउट हो गया, आ गया रिमाइंडर ज़ीरो। अब यहाँ पर रिमाइंडर जब ज़ीरो आ गया, जब रिमाइंडर ज़ीरो आता है तो इसका क्या मतलब होता है, जब रिमाइंडर ज़ीरो आता है तो इसका मतलब है कि जो डिविडेंड है वो डिवाइज़र से एग्जैक्टली पूरा डिवाइड हो रहा है, उसका मतलब एक फैक्टर है। अगर ये इसका फैक्टर नहीं होता तो उससे एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो पाता, क्योंकि उसका फैक्टर है इसलिए उससे एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। सो ये केस जो आपके नंबर्स में होते थे बचपन में क्लासेस में, यही केस आपके पॉलिनोमियल्स में चलने वाले हैं।